ये तो मिट्टी का मेरे को घर है, ये तो पत्थर का मेरे को घर है, ये तो ईंटों का मेरे को घर है, ये कैसे हिदायत करेगा? ये मिट्टी ईंटों का बना हुआ, मिट्टी ईंटों पत्थर का मेरा वो घर कैसे हिदायत करेगा? ना तो ये बोल सकता है, ना तो बता सकता है, अरे क्या बात है, सुन सकता है, ये कैसे हिदायत करेगा? तो अल्लाह इसी आयत में इरशाद फरमाता है कि फी आयातुन बय्यिनात, इसके अंदर जाहिर साफ निशानियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस निशानी कैसे हिदायत करती है, इसके लिए हम छोटी सी एक मिसाल लेंगे। जैसे हम गाड़ी में बैठे रोड पर आए, हमने क्या देखा, एक सिग्नल लगा हुआ है, उसमें तीन लाइट जल रही है, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन। जैसे येलो लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती इंतजार करती है, और जैसी रेड लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती है, और जैसे ग्रीन लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां तो हमने क्या देखा, ना तो सिग्नल बोला, ना तो कोई हरकत, ना तो चला, लेकिन उसने अपने इशारों से समझा दिया कि कब रुकना है, कब चलना है और कब इंतजार करना है। इसी तरह काबा भी हिदायत करता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा, पहली जाननी इसी आयत के अंदर है, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन वहुदन लिल्आलमीन। आए हम पहली निगरानी की तरफ चलते, काबा शुरू से ही मक्के में था और आज भी मक्के में है और कयामत तक मक्के में रहेगा, ना तो खत्म होगा, ना तो चेंज होगा, ना तो इसके बदले कोई और काबा आएगा, ये हमेशा रहेगा। लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये नहीं किया